नमस्कार दोस्तों, ये देखिए ये है पान की बेल। इस बेल की बहुत ही धीरे धीरे ग्रोथ होती है। अब आप देखिए इस बेल के नए नए पत्ते निकल रहे हैं और इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ शुरू हो गई है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पान की बेल की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें क्या करना होगा। पहले इसके पत्ते बहुत ही छोटे साइज के थे और इसके पत्तों की अच्छी ग्रोथ भी नहीं हो रही थी, और अब देखिए इसके पत्ते चमकदार और लश ग्रीन बन गए हैं। यदि आपने पान की बेल लगा रखी है और उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप इस छोटी सी वीडियो को एक बार देख लीजिए, और मैं इस वीडियो में केवल इसकी इम्पोर्टेंट टिप्स ही डिस्कस करूँगा और एक्स्ट्रा बातें इस वीडियो में नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और वन बाय वन सभी बातें बताता हूँ। सबसे पहले तो हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं। जब मैं इस प्लांट को ख़रीद कर लाया तो मुझे पता नहीं था कि इसको इंडोर रखना होता है या आउटडोर। मैंने इस प्लांट को आउटडोर रख दिया था जहाँ डायरेक्ट सनलाइट इस पर गिरती रहती थी। डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में इस बेल की ग्रोथ रुक जाती है और इसके पत्तों का साइज भी छोटा हो जाता है और इसके पत्तों की टिप ब्राउन होने लगती है। आउटडोर इस बेल की अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही थी तो मैंने इसको इनडोर रख दिया। इंडोर भी एक ऐसी लोकेशन में रख दिया जहां बिल्कुल भी सनलाइट इस बेल पर नहीं गिरती थी। ऐसी लोकेशन में रखने पर इस बेल की और भी बुरी हालत हो गई और ये बेल धीरे धीरे करके सूखने लगी और इसके पत्ते गिरने लगे। मई जून की तेज़ धूप और गर्मी से इस बेल को बचाने के लिए मैंने इस बेल को टोटली इनडोर रख दिया था। टोटली इनडोर रखने पर इस बेल की मिट्टी भी नहीं सूख पाती थी। एक बार पानी डालने के बाद कम से कम एक हफ्ते तक इसकी मिट्टी नहीं सूखती थी। इस बेल की अच्छी ग्रोथ के लिए इसकी मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए। यदि आप इसकी मिट्टी में नमी बनाकर रखना चाहते हैं तो इसमें हर रोज़ पानी डालना पड़ेगा, और जब आप इसमें हर रोज़ पानी डालते हैं तो गमले में पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। जब भी आप पानी डालते हैं तो उसके 10 से 15 मिनट के बाद सारा पानी बाहर निकल जाना चाहिए। पान की ये बेल किसी भी प्रकार की मिट्टी में अच्छी ग्रोथ कर सकती है, मगर इसमें ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। यदि आपने गमले की मिट्टी को वेल ड्रेंड नहीं बनाया है तो आप इसमें कम पानी डालिए, और जितना इसकी मिट्टी गीली हो जाए उतना ही इसमें पानी डालिए। इस बेल में वाटरिंग कैसे करनी है ये तो मुझे पता लग चुका था। अब मैं इसकी लोकेशन के बारे में कन्फ्यूज था कि इसको मैं इनडोर रखूँ या आउटडोर या फिर कहाँ रखना चाहिए। लास्ट में मैंने इस बेल को एक बड़े पेड़ के नीचे रख दिया जहाँ छायादार लोकेशन में ये बेल रहती है और इस बेल पर फिल्टर्ड सनलाइट गिरती रहती है, क्योंकि एक बड़े पेड़ के पत्तों में से धूप छनकर इसके पौधे पर गिरती है। अब मैं आपको वो पेड़ दिखाता हूँ जिसके नीचे ये बेल रखी हुई है। शीशम के इस बड़े पेड़ के नीचे मैंने इस बेल को रख दिया था, और देखिए दोस्तों इसमें से धूप छनकर नीचे आती है, अधिक धूप इसके नीचे नहीं आती है। पान की बेल को ऐसी लोकेशन चाहिए जहां फिल्टर्ड सनलाइट इसके ऊपर गिरती रहे। इस बेल को आप डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन से बचाएं। पान की बेल की बिना किसी खाद या फर्टिलाइजर के ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है, इसलिए इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आप इसमें अधिक खाद ना डालें। इस प्लांट में आप बिल्कुल भी खाद नहीं डालते हैं तो भी ये बेल बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगी। यदि आपने इसकी लोकेशन का ध्यान रखा है और इसकी वाटरिंग का ध्यान रखते हैं तो इस बेल की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है। इस प्रकार मैंने पान की बेल को बचा लिया है और आपके साथ ये ज़रूरी टिप्स मैंने शेयर की हैं। यदि आपके भी पान की बेल में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है तो इन टिप्स को फॉलो कीजिए और अपने पान की बेल की बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर लें। यदि आपको इस चैनल की वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।